गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके नए चैनल जिसका नाम है प्राइम टीम्स में तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो नए मेंबर आए हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं उन्होंने भी ऑब्वियसली नहीं किया होगा नए आए तो तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो बहुत सारे गेवावेज में प्लान कर रहा हूँ एक बार वो छोटा सा जो हमारा सब्सक्राइबर का टारगेट है वो पूरा हो जाए तो जैसे ही सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होगा मैं अपनी तरफ से बहुत सारे गेवावेज आपके लिए लाने वाला हूँ सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा इसलिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा तो गेवावेज़ करवाने में मज़ा आज की अगर हम बात करें तो ईसी एस में हैं चार मैचेस ठीक है उसके बाद सेंट में दो मैचेस मतलब टोटल छ मैचेस खेलेंगे आज हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का दिन है बस थोड़ा सा ध्यान से खेलना है टी टेन के मैचेस आपको पता है रिस्की होते हैं रिस्की सबके लिए होते हैं ऐसा नहीं कि अपन खेल रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए रिस्की है रिस्की सबके लिए होते हैं बस ये है कि कौन थोड़ा सा दिमाग लगा देता है और वो रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं तो आ, पहले मैच का तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ और आपको अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है आज के दिन तो पहले मैच का वीडियो तो मैं होपफुली ला रहा हूँ और सेंट लूसिया के भी मैं वीडियो ले आऊँगा दो ही मैचेस हैं लेकिन बाकी के तीन बचे हुए टी की टीम्स अगर वीडियो नहीं आएगा तो डायरेक्ट टीम्स आएगी टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम एलेवन टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ज्वाइन करना मत भूलना बहुत अच्छा दिन है आज प्रॉफिट कमा सकते हो आप लोग ठीक है जैसे कि कल का मैच था इसकी वीडियो नहीं आई थी फाइनल टीम्स दी थी अब फाइनल टीम आप देखो तो एलेक्जेंडर ऑगस्टिन सब ने वाइस कैप्टन बनाया था डेस्कार्टिस को हमने बनाया था ऑगस्टिन को एक विकेट लिया था ठीक है और क्रैग एम इमानुअल को काफ़ी लोगों ने ड्रॉप किया था हमने लिया था तो ऐसा ही कुछ सीन रहेगा फाइनल टीम्स का भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आपका ही फ़ायदा होगा आपके लिए ही गिव अवेज लाऊंगा मेरा कुछ नहीं हो रहा है ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करके वीडियो की आप स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या हो सकता है आज के मैच में स्टार्ट करते हैं वीडियो पराग सी सी किंग्स वर्सेज बी सी सी का यह मैच होने वाला है पराग टी टेन लीग में ये ग्रुप ए के मैचेज़ हैं जो लास्ट वीक हो रहे थे वो ग्रुप बी के मैचेस थे ठीक है ग्रुप ए को एक वीक का रेस्ट मिला था मैच प्रीव्यू अगर देखें तो पराग सीसी किंग्स बोहिमियन सी सी के सामने होंगे ट्वेंटी फिफ्थ मैच होगा ये इस ई सी एस टी टेन पराग लीग का जो खेला जाएगा मंडे यानी आज के दिन अब पराग सी सी किंग्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है चार मैचेस खेले चारों जीते हैं भाई साहब टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं ग्रुप ए के वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पराग सीसी किंग्स हैं ये लास्ट सीज़न के चैंपियन हैं ठीक है लास्ट सीज़न के विनर हैं इस टी लीग के ब्रूनो रेडर्स को अभी ये लास्ट मैच में अपने हरा के आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट वीक खेला था डिफेंडिंग चैंपियंस है तो अपना अगला मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे जो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है किस किस कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है बोहिमियन सीसी जिनके साथ इनका मैच है आज बोहिमियन सीसी ने चार मैच खेले सिर्फ दो जीते ग्रुप ए में थर्ड नंबर पर है ये पॉइंट्स टेबल में थर्ड नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे ज़रूर है लेकिन अभी ये लीग से बाहर नहीं हुए हैं अगर ये आज का मैच जीतते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है किंग्स को हराना तो अगर ये आज का मैच जीत जीतते हैं तो ये लीग में बने रहेंगे अब लास्ट ए, एक बार ये हेड टू हेड खेल चुके हैं जब इन्होंने लास्ट हेड टू हेड खेला था तो क्या हुआ था किंग्स ने इनको आसानी से बीट कर दिया था सात विकेट से वही मैं बता रहा हूँ कि किंग्स काफ़ी स्ट्रांग टीम है तो आप किंग्स को फेवरेट रख के ही टीम बनाना थोड़ी सी डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि कब है मैच दस में यानी आज बारह साढ़े बारह बजे स्टार्ट होगा मैच विनॉर क्रिकेट ग्राउंड पर आग में पिच की रिपोर्ट की हम बात करेंगे ही नहीं क्योंकि आपको पता है आ, मैटिंग पे मैटिंग पे मैचेस होते हैं तो मैटिंग की हम क्या ही रिपोर्ट निकालें वेदर बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस सनी होने वाला है कोई वेदर में बारिश वारिश का इशू नहीं है अब हम बात करेंगे सीधे प्लेइंग एलेवन की तो पराग किंग्स से स्टार्ट करेंगे ये प्लेइंग एलेवन जो है बैटिंग ऑर्डर में नहीं है ठीक है अभी बता रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर में नहीं है बैटिंग ऑर्डर में आपको दिखा दूंगा अब होता क्या है कि आपको पता होगा कि टी टेन के जो मैचेस होते हैं उसमें बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है ये कोई नई बात नहीं है तो इसलिए मैंने जो करंट लास्ट जो इनका मैच था उनके मैंने आपके प्लेइंग एलेवन निकाल के रखी है वो मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन पहले मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ तो समीरा मधुरंगा आ, इनके बॉलर हैं ठीक है लास्ट चार मैचेस में दो विकेट लिए जीरो विकेट एक, विकेट एक विकेट एक विकेट जीरो विकेट सुदेश विक्रम सम सेकरा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है सीधे सीधे कैप्टन की पिक है क्यों बैटिंग करते हैं पंद्रह रन जीरो विकेट उससे पहले मैच में सेवेंटी सेवन रन एक विकेट एट्टी टू रन और तीन रन एक विकेट अब होता क्या है कि टी टेन में जो टीम आती है उनके जो प्लेयर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि या तो जॉब वाले होते हैं या ऐसा कुछ होता है लेकिन उनमें अगर एक सीजन प्लेयर निकल के आ जाता है जो है विक्रम सेकरा तो ये बहुत सारे रन और विकेट लेते हैं ऐसी लीग्स में क्योंकि ये सारे क्या होते हैं कि कंटिन्यूसली खेलते नहीं हैं जॉब वाले लोग होते हैं लेकिन उनमें हर टीम में एक सीजन प्लेयर ले लेते हैं वो ताकि उनकी टीम थोड़ा आगे जा सके टूर्नामेंट में वैसे ही प्लेयर है विक्रम सेकरा तो इन ये आपके सीधे कैप्टनसी के पिक होंगे उसके बाद शरण रामकृष्णन लास्ट दो मैचेस खेले नहीं थे लेकिन स्टार्टिंग के दो मैचेस खेले थे ओपनिंग कर रहे थे और काफ़ी अच्छे रन बनाए थे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्लिंग्लैंड में वापस आएंगे आकाश परमार का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है केयूर मेहता पाँच विकेट है लास्ट पाँच मैचेज में स्मिथ पटेल कि बैटिंग से कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन भाई लास्ट मैच में तीन विकेट उससे पहले दो विकेट और उससे पहले एक विकेट लेके आ रहे हैं स्मिथ पटेल काफ़ी लोगों के वाइस कैप्टन भी हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे अली सितार लास्ट दो मैचेस में दो विकेट लिए उससे पहले कोई विकेट नहीं लिया था प्रकाश सदा सेवन बैटिंग आती नहीं है नीचे बैटिंग करते हैं लक्ष्मी नारायण सेलवन लास्ट चार मैच में सिर्फ एक विकेट है इनके पास और अरुण अशोकन जो है इनके कैप्टन कर रहे हैं अभी लास्ट दो मैचेस से ओपनिंग और रन भी अच्छे खासे बना रहे हैं लास्ट मैच में 33 उससे पहले 13 रन उससे पहले 19 रन और एक विकेट और 13 रन यानी अरुण अशोकन ओपन करेंगे लिखा नीचे उसके बाद सेव गगनम गुन्नती स्वरण भाई श्रीलंकन कैसा नाम है चलो ठीक है हम इनको सेवा बुलाते हैं ठीक है सेवा इन्होंने एक ही मैच खेला था लास्ट मैच खेला था उसमें बैटिंग नहीं आई थी इनकी इसलिए इनका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है उससे पहले भी ना ये लास्ट सीजन खेले थे तो कोई रिकॉर्ड इनका अवेलेबल नहीं है अब हम प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन बात करेंगे वोहिमियन सी की तो वोहमियन सी का भी वोहिमियन सी सी जाने से पहले मैं आपको जो है पराग किंग्स का बैटिंग ऑर्डर दिखा देता हूँ लास्ट मैच का तो ये है पराग किंग्स का लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर हिलाल अहमद इनके विकेट कीपर और अरुण अशोकन जैसे मैंने बताया था ओपनिंग करने आ रहे हैं उसके बाद सुदेश विक्रम सेकरा उसके बाद कुशाल मेंडन और सुदित उवाला अगर आप आ, बैटिंग ऑर्डर देखना चाहो तो उसके बाद ग्लैक्सन आने थे उसके बाद मेहता मधुरंगा सितार स्मिथ पटेल और क्राउचर ठीक है ये था इनके लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर अभी के अभी क्या है मैंने आपको वो बता दिया है तो आप बैटिंग ऑर्डर देख के जाना फाइनल टीम्स में से भी मैं सब कुछ चेक करके टेलीग्राम पे देता हूँ तो उसकी आप चिंता मत करो आप सिर्फ रिकॉर्ड्स पे ध्यान दो अब हम वोह में एन सी सी के प्लेंग रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो अब्दुल फराद इनके रेगुलर बोलर हैं मीडियम पेसर एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट मतलब लास्ट पाँच मैच में इनके पास छः विकेट है तो आप लेके जा सकते हो साजिब भैया लास्ट पाँच मैच में सिर्फ सिर्फ दो विकेट है जावेद इकबाल इनके कैप्टन कभी ओपन करने आते हैं कभी वन डाउन आते हैं कभी टू डाउन आते हैं इनका कुछ पता नहीं है लेकिन जब भी आते हैं रन दस पंद्रह बना के दे जाते हैं पिन शटिंग करते हैं और विकेट आप देख सकते हो लास्ट मैच में जीरो विकेट उससे पहले उन्नीस रन एक विकेट उससे पहले पाँच रन एक विकेट उससे पहले एक रन और जीरो विकेट ये थे इनके जावेद इकबाल के परफॉर्मेंस अब जाहिद महमूद इनके एक तगड़े पिनशर हैं अच्छे बैट्समैन है इनको आप लेके जाना लास्ट मैच में थर्टी बनाए थे उससे पहले फोटीन उससे पहले सेवन उससे पहले ग्यारह चार नंबर या पाँच नंबर पर भी बैटिंग करने आते हैं ये पिन शटिंग करते हैं अच्छी क्लीन हिटिंग करते हैं तो आप इनको लेके जा सकते हो अली वकार अब ये जो अली वकार है ये है इनके वैसे बोलर लेकिन करने आ जाते हैं ओपनिंग लास्ट चार मैचेस में ये ओपन जरूर आ रहे हैं चाहे इनका जो सात वाला पार्टनर है वो चेंज हो रहा है सात वाला पार्टनर यानी सक्तेन मुख्तार कभी आ जाते हैं सकलेन मुख्तार नहीं तो इमरान उल्हा या मोहम्मद नबील आ जाते हैं लेकिन ये कंसिस्टेंट ओपनिंग बैट्समैन और साथ में बॉलर है ठीक है एक विकेट दो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट एक विकेट आप इनके रिजेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो बैटिंग से ओपनिंग ज़रूर आए लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है दस रन पंद्रह रन नौ रन चार रन ऐसा कुछ इनका रिकॉर्ड था तो मैंने लिखना सही नहीं समझा जो वो पर्टिकुलर करते हैं उसी के उनके रिकॉर्ड्स लिखे हैं यानी वो है बॉलिंग मोहद्दीन इनके लास्ट चार मैच देख सकते हो आप आठ सात फोर्टीन और वन एक मैच में इन्होंने ओपनिंग भी करी थी लेकिन उनके बाद इनको ओपनिंग नहीं करवाई अब रविंद्र सिंह बेस्ट आपके लिए तगड़े ग्रैंड लीग के प्लेयर हो सकते हैं इग्नोर करेंगे सब लास्ट मैच में दस रन दो विकेट उससे पहले कोई विकेट जरूर नहीं मिला है लेकिन बॉलिंग अच्छी डाल रहे थे मैंने इनको लास्ट मैच में देखा था सकलेन मुख्तार जैसे कि बताया कभी ओपनिंग करने आ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं इमरान हुक को लास्ट मैच में खिलाया लेकिन ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मोहम्मद नबील सेम नीचे बैटिंग करते हैं एक मैच में बाईस रन है उसके बाद कोई खास रन नहीं और मोहम्मद सुबेर भी सिर्फ एक मैच खेला और एक रन बनाया है ये हो और रिसेंट रिकॉर्ड कैलकुलेट करेंगे तो विक्रम सेकरा जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपके लिए मस्ट पिक होने चाहिए अब टॉप स्कोरर है पराग सीसी किंग्स के कैसे 185 एट्टी रन बनाए टू के स्ट्राइक रेट के साथ यानी हर बॉल पे कम से कम ढाई रन बनाते हैं ये तो मतलब समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है आठ छक्के और पाँच चौके ये सिर्फ स्टार्टिंग के दो मैचेस के उसके बाद भी उन्होंने मारे रन आप देख सकते हो 185 एटी रन मैंने बता दिया स्ट्राइक रेट भी देख लो और साथ में बॉलिंग भी करते हैं तो सोने पे सुहागा वाली चीज़ है विक्रम शेखरा शरण रामाकृष्णन अब ये लास्ट दो मैचेस से खेल नहीं रहे लेकिन स्टार्टिंग के तो जो दो मैचेस खेले तो उसमें 63 थे उसमें सिक्सटी थ्री रन बनाए थे वन फोर्टी के स्ट्राइक रेट के साथ मुझे लगता है आज खेलेंगे केयूर मेहता इनके बेस्ट बॉलर रहे हैं स्टार्टिंग के दो मैचेस में लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो इनके बेस्ट बॉलर बन गए थे स्मिथ पटेल जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था तीन विकेट दो विकेट ऐसा कुछ ले रहा है उन्होंने लास्ट तीन मैचेस में तो केयूर मेहता ने क्या किया था कि आ, अभी तक चार मैचेस खेले और स्टार्टिंग के दो मैचेज में ही तीन विकेट ले लिए थे लेकिन जो पिछले दो मैचेस खेले उसमें कोई विकेट इनको मिला नहीं है इकोनॉमी फिर भी इन्होंने संभाल के रखी है सिर्फ साढ़े तीन रन पर ओवर देते हैं और एवरेज इनका चार का है विकेट्स चाहे स्मिथ पटेल के ज़्यादा हो लेकिन केयूर मेहता बॉलर अच्छे हैं उनसे भोहिमियन सीसी से बात करेंगे कौन है टॉप परफॉर्मेंस तो सकलीन मुख्तार बताया था लास्ट मैच में ओपन आए थे रन बनाए थे थर्टी नाइन कुछ तो इन्होंने क्या किया है कि सिक्सटी सेवन रन टोटल बनाए और जब जब इन्होंने ओपन किया है सिर्फ ओपन के रिकॉर्ड्स लिखे हैं मोहम्मद नबील ने ट्वेंटी सेवन रन बनाए कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है सकलीन मुख्तार मोहम्मद नबील का बॉलिंग सेक्शन से जो एक अच्छे बॉलर मुझे लगे वो है सौरभ काकरिया भाई लास्ट मैच में बंदे ने अकेले चार विकेट ले लिए थे और मैच अपनी टीम की तरफ पूरा पलट दिया दिया था सौरभ काकरिया क्या क्या किया है इन्होंने चार मैचेस खेले नौ विकेट्स लिए हैं इकोनॉमी रेट है 6.75 का एवरेज है 13 का ठीक है एयरपोर्ट पे हूँ भाई कहीं जा रहा हूँ तो प्लेन की आवाज़ आ रही है मजाक कर रहा हूँ घर एयरपोर्ट के पास है इसलिए प्लेन की आवाज़ आ रही है अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते की प्लेस की बात करेंगे पराग किंग्स की तरफ से लेकिन की प्लेस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको कुछ खास रिकॉर्ड मिला नहीं है सक्रिय मुख्तार मोहम्मद नबीर और सौरभ काकरिया सिर्फ सौरभ काकरिया का रिकॉर्ड आपका काम का था तो अगर आपको और रिकॉर्ड देखने हैं तो ऊपर आप प्लेंग इलेवन से देख लेना बाकी मैं फाइनल टीम आपको बता दूँ और की प्लेस में बता दूंगा कि आप किसको ले सकते हो तो स्टार्ट करते हैं की प्लेयर से पर पर्राक सीसी किंग्स से क्लिप, की प्लेयर्स की स्टार्ट करेंगे तो समीरा मधुरंगा इनके रेगुलर बॉलर हैं अच्छे बॉलर है डेथ ओवर में बॉल डालेंगे सुदेश विक्रम शेखर का बार बार बता रहा हूँ कैप्टनसी से हटकिन को बताना मत और अगर जी खेल रहे हो Uh, मान लो आप बारह टीम से जेल ज्वाइन कर रहे हो तो सारी बारह टीम्स में सारी नहीं ग्यारह टीम्स में सुदेश विक्रम सेकरा को कैप्टन रखना और बाकी ग्यारह टीम्स में वाइस कैप्टन चेंज करते जाना हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा जीत जाओ ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो ये ट्रिक जरूर ट्राई करना उसके बाद शरण रामकृष्णन मैं बोला अगर खेलेंगे तो ज़रूर लेंगे आकाश वर्मा और केयूर मेहता इधर मैंने एक लिखा नहीं स्मृत पटेल उसको आप ज़रूर लेना ठीक है ऐसा नहीं है कि मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने लिया और वाइस कैप्टन भी बनाया स्मित पटेल को वो उन वो लोगों वो लोग ऐसे होते हैं जो ना पॉइंट्स देख के टीम बनाते हैं कि, कि किसने कितने पॉइंट्स दिए वो उस पॉइंट्स के हिसाब से निकालते हैं और उनको वाइस कैप्टन बना दिया है अब हम भोहमी एन की तरफ से बात करेंगे तो आप अब, अब्दुल्फराज सासिब भैया जावेद इकबाल जाहिद महमूद और अली वक़ार को ले सकते हो इसमें अली वकार जाहिद महमूद और जावेद इकबाल आपके मस्ट पिक होने चाहिए इन दोनों में अगर प्लेइंग एलेवन आने के बाद मेरे को कुछ चेंज करना हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी सेफ़ स्मॉल लीग के लिए दो तीन मेंबर चार मेंबर तक के लिए आप विक्रम शेखरा और जावेद इकबाल के साथ जाओ या फिर जो लोग कर रहे हैं विक्रम शेखरा और स्मृत पटेल के साथ जा सकते हो मैं अभी के लिए जावेद इकबाल के साथ जाऊँगा अगर पहले बॉलिंग डालेगी बोहिमियन सी सी तो ठीक है अगर पहले बैटिंग करेगी वो ही मीन ची तो मैं विक्रम सेकरा के साथ स्मित पटेल के साथ ही जाऊँ ठीक है ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन विक्रम शेखरा को ही रखना वाइस कैप्टन आप अशोकन और बिस्ट को ट्राई कर सकते हो काफ़ी अच्छी को ये ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टन लग रहे हैं विक्रम शेखरा के साथ ठीक है यह बात हो गई हमारे रिकॉर्ड्स प्लेइंग इलेवन क्या क्या हो सकता है मैच में अभी तक क्या क्या हुआ है कौन कौन से पोजीशन पे है अब हम देख लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम के लिए जैसा कि मैंने बताया कि किंग्स की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है ठीक है किंग्स की टीम स्ट्रांग है तो हम क्या करेंगे किंग्स की टीम के मैक्सेस कैसे ले सकते हैं आ, जैसे कि आप देख सकते हो हिलाल अहमद जो अभी तक ओपन कर रहे हैं लास्ट दो मैचेस से मैंने उनको ले लिया विकेट कीपर से अशोकन जो लास्ट मैच को ओपन करने आए थे उनके बाद इनके वन डाउन विक्रम सेकरा उसके बाद स्मिथ पटेल के ओर मेहता इनके दो मेन बॉलर्स मधुरंगन जो एक मीडियम पेसर है ठीक है ये पाँच मुझे लेने थे किसी भी हालत में किंग्स की तरफ से पराग किंग्स की तरफ से तो वो मैंने ले ले ली और जो बी से मैंने मस्तपेस्ट बताए थे कि इकबाल जाहिद महमूद और वक़ार ये थे तीन चौथे थे हमारे पास काकरिया का ऑप्शन अवेलेबल था अगर पहले बॉलिंग डाले तो आप काकरिया के साथ जा सकते हो अब बेस्ट अब बेस्ट की जगह आप कुछ ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ अलग करना है कि आपको पता चले कि किंग्स जीतने वाले देखो किंग्स जीतने वाला है या आप लिख के ले लो तो किंग्स अगर पहले बॉल डालेगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि बोहिमियन सीसी ऑल आउट हो अब बोहिमियन सीसी ऑल आउट हो तो क्यों ना हम सारे बॉलर्स ले लें किंग्स की तरफ से तो तब आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप बेस्ट की जगह एक और बॉलर आ, किंग्स से ले लोगे तो आपकी टीम थोड़ी अलग बन जाएगी तीन चार मेंबर में देखो कैप्टनशीप वाइस कैप्टनशी सबकी सेम रहेगी उधर छेड़छाड़ मत करना बेस्ट की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेना क्लीन स्वीप कर जाएगा अगर उसने एक दो विकेट ले लिए तो ठीक है ये बात हो गई हमारी ड्रीम इलेवन टीम की सब कुछ हो गया आ, फिर से बता देता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर लेना आने वाले टाइम में काफ़ी गिव अवेज होने वाले हैं उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना चार मैचेज पराग के हैं दो मैचेस लूसिया के हैं दो बता रहा हूँ बार बार काफ़ी अच्छे मैचेज हैं इन्वेस्ट करने के लिए मैं सारे छः मैचेस देखने वाला हूँ आज और देख के एक एक, एक चीज़ समझ के फिर आपको टीम्स दूंगा आने वाले मैचेस की पहले मैच की बात की ठीक है तो ज्वाइन कर लेना कमेंट सेक्शन में लिंक है दोनों ही जगह की टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में भी है मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ठीक है बाय